व्हाट्सएप पे डिग्री तो बहुत मस्त है, क्या तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो? सुनो, वहाँ ग्राउंड में ना कुछ लोग हमारे दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तुम लोग जल्दी चलो वहाँ पे देखो। हाँ चल। सर हुआ क्या बताइए? अरे सर कहाँ लेके जा रहे हैं? चल अरे सर रुकिए तो सर। लिंगा। यस कमिंग। इधर। अरे मुझे 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 सर ने बुलाया बड़े लिंगा को। गेट आउट। क्या है रे? कुर्सी है। डर गए थे क्या? नो, मैं डर गया था। लग रहो। अरे जिस तरीके से ये लोग हमें देख रहे हैं लगता है रेप केस पे अंदर डाल देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली बात ये छोटा लिंगा, ये बदमाश मुझे देखकर ऐसे डर रहे हैं जैसे पिक्चर में अपने विलन बॉस को देखकर उसके चमचे लोग डरते हैं ना, वैसे ये लोग डर रहे हैं। देखते रहो इनके केस में मैं कैसे इन बदमाशों के मुंह से आज सच उगलवाता हूँ। ओके गेट आउट। सर एक डाउट है। ये मुझसे जनरल नॉलेज का सवाल तो नहीं पूछेगा ना, मैनेज करना पड़ेगा। क्या है? आपका नाम ही बड़ा लिंगा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे का डायलॉग ही भूल गया। छोटा लिंगा, तुम्हारे बॉस ने शिवा पिक्चर में क्या कहा था? मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और अगर मैंने तुम्हें मारना शुरू कर दिया तो हाउसफुल के बोर्ड लगने तक मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। ओके कंटिन्यू। अब बताओ क्या गलती की है तुम लोगों ने? सर आज कॉलेज में। स्टॉप। इस तरह के ना जाने कितने केस सॉल्व किए हैं मैंने। तुम लोग भेड़िए की तरह एक सुंदर लड़की को छेड़ रहे थे ना, लेकिन उसी बीच में मेरे जैसा खूबसूरत लड़का आकर तुम्हें पकड़ लेता है और तुम लोग बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ते हो। फिर मेरे जैसे इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर ने तुम्हें पकड़ कर अंदर कर दिया। Am I correct? You're in the wrong. Shut up! ऐसा नहीं है सर। तो फिर? अरे वो क्लास टीचर थी। Stop! अब पता चल गया तुम लोग इसे छेड़ रहे थे वो कॉलेज की लड़की नहीं थी बल्कि टीचर थी। नालायको, टीचर भी एक तरह से प्रिंसिपल ही होता है, इसीलिए तुम्हारे इस नालायक पने का प्रिंसिपल को पता चल गया होगा, इसीलिए तुम लोगों को कॉलेज से निकाल दिया और उसका बदला लेने के लिए तुम लोगों ने ये कारनामा किया। I am in the right. No, you're in the center. जिसे बॉल पकड़ना नहीं आता वो अगर बॉलिंग डालने जाएगा तो कैसे पता चलेगा? सर साइलेंट में रहकर साइड में रहो, मैं जब बात करूंगा तब कोई नहीं करेगा। अब तुम बोलो। सर क्रिकेट में। क्रिकेट में? हाँ जी सर। कौन सा? KPL, CCL, वन डे टेस्ट या वुमेन्स मैच? T20 सर। T20 था? टॉस बैटिंग था, ओपनिंग बैटिंग था, स्कोर बैटिंग था, बॉल टू बॉल बैटिंग था कि ओवर बैटिंग था, फोर बैटिंग था, सिक्स बैटिंग था, क्या था? टीम बैटिंग सर। टीम बैटिंग था? कौन टीम थी? इंडिया की, पाकिस्तान की या साउथ अफ्रीका की? इसमें से कोई भी नहीं सर। तो कौन टीम थी? GPL है सर। GPL थी? हाँ सर। इसका मतलब गुजरात प्रीमियर लीग हो सकता है। मिस्टर शर्मा ने भी शुरू कर दिया क्या? GPL मतलब गली प्रीमियर लीग सर। लिगा सर क्या कर रहे हो तुम? सर मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, तो ये लोग मुझसे चाय पानी मांग रहे हैं और मुझे ऊपर से डरा रहे हैं सर। शट अप। ए खड़े हो जाओ। अगर अगली बार तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम्हारे पिछवाड़े पे ऐसा डंडा मारूंगा। लिंगा चाकू लेकर आऊं सर? अरे नारियल कट करने के लिए चाकू की जरूरत पड़ती है तो लकड़ी लाओगे क्या? इनका साइन लेके इन्हें छोड़ दो। ओके सर। ए चेकबुक पे साइन करके चले जाओ यहाँ से। चेकबुक पर साइन नहीं करना है, रजिस्टर पर साइन करना है। ओके सर। ए जाओ रे रजिस्टर पे साइन करके जाओ। काम लोफरों जैसा और साइन IAS ऑफिसर जैसा है। आप देखते रहने, एक दिन बनूंगा मैं IAS ऑफिसर। जा आईने में मुंह देख जा, ये हीरो की तरह ऑटोग्राफ दे रहा है, चल निकल। सर कब से आप बस बॉस बॉस बोल रहे हैं? कौन है बॉस सर? हे सर, जिसका नाम सुनते ही दिल में खुशी दौड़ती हो, उसके सामने बड़े बड़े हिल जाते हो, वही शिवा कहलाता है।
और वो मेरा बॉस शिवराज कुमार। वो पूरे कर्नाटका के बॉस है सर। क्या बात है, अरे पहले बोलना चाहिए था ना। क्या सर? अरे साइन भी नहीं लेता, ऐसे ही भेजता था तुम्हें। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ऐसे ही करूंगा। चल निकल, नेक्स्ट टाइम आएगा तेरे पापा का घर है क्या है? चल। ओके सर। ए, फैंस लोगों को ऐसे डांटना नहीं चाहिए। सुन, नेक्स्ट टाइम अगर आना हो तो इस बाल को काट कर आना। हाँ सर। ए, बार बार इसे यहाँ आने की बात कर रहे हो, यहाँ कोई राशन बढ़ता है क्या? पुलिस स्टेशन है तो चल साइन कर निकल। सर हाँ, आपके पास बड़ा है। क्या है बेटा? सर वही। हेलो सर, जयनगर के एल ब्लॉक से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। कब से पड़ी है ये बताना तो मुश्किल है सर। बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि इसको तो 2-3 दिन हो गए। ठीक है, आई विल बी देयर। अनिल सर, बॉडी निकालो। सुभाष, क्या केस है ये? एक्चुअली इस मरी हुई लड़की का कुछ भी आता पता नहीं है सर। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नो क्लू सर। पर बॉडी की कंडीशन को देखते हुए लगता है कि इसे मरे हुए 3-4 दिन हो गए। हो सकता है इसे कहीं और मारकर यहाँ लाके फेंक दिया। सुभाष, इस घर में कोई रहता है क्या? घर में ताला लगा हुआ है सर। और ये घर किसका है किसी को ये जानकारी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, क्या हमें बताएंगे ये जो बॉडी आपको मिली है उसके बारे में? हत्या है या आत्महत्या? और आपको इस बॉडी के बारे में क्या जानकारी मिली है सर? ये बॉडी किसकी है अभी तक पता नहीं चला है। हम इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। रिपोर्ट आने तक पता चलेगा तब मैं शेयर करूंगा आपको। सुभाष, शैल वी मूव? थैंक यू सो मच सर। शिवू, ये बॉडी का क्लोजअप ले लो। इसका नाम शारदा है। इसने एमकॉम किया है और बैंक में भी काम करती है। देखने में बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। हाउसमेट के लिए है। क्यों हर टाइम ऐसे चिड़चिड़े जैसे बात करते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी? जो नहीं है उसके लिए क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? ठीक, अपने लिए ना ही सही, मेरे लिए जरा अपने मन को बदल कर देख लो। जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रहोगे क्या? मेरी बात तो सोचो, खुद का मन बदल कर देखो। मामा प्लीज, मुझे फोर्स मत करो। अगर शारदा भी होगी तो भी मैं ऐसे ही रहूंगा। ओके सुभाष, घड़ी घड़ी उस बात को मत कुरे दो। ची। बोलो अनिल। जयनगर में कल जो लड़की का मर्डर हुआ था उसका पति आया है। मैं अभी आता हूँ। ओके सर। नमस्ते सर। बैठिए। तुम्हारा नाम? संदीप। जो मर गई है वो कौन है? मेरी पत्नी है सर। तुम काम क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। और पत्नी क्या करती थी? वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे सर। तुम्हारे घर पर और कौन कौन है? घर में और कोई भी नहीं है सर, मैं अनाथ हूँ और वो भी अनाथ थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने शादी भी की थी। तुम्हारी पत्नी जब गायब हुई तब तुम कहाँ थे? सर उस दिन शनिवार था और वीकेंड्स पर ही हम लोगों को समय मिल पाता था, और उस दिन हम लोग होटल में खाना खाने गए थे। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नो सर। क्या तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को किसी तरह के थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे? नहीं सर, नहीं आते थे। वो घर किसका है तुम जानते हो? वो घर किसका है और उसका मालिक कौन है मैं नहीं जानता सर।
I can understand your pain, Sandeep. But further investigation के लिए तुम्हें cooperate करना पड़ेगा. Sure, sir. You may leave now. Thank you, sir. ये जो गया कौन है? मेरे चाचा का बेटा है. अच्छा. Hey! मैं पहले से ही problem में हूँ. बकवास मत करो. अच्छा ये बात है. मुझे एक doubt है. गलत time पे तुम्हें doubt होता है. मुझे भी doubt है. पर पहले तुम पूछो. RCB की टीम फाइनल तक पहुंच जाती है फिर हार क्यों जाती है? पहले प्रॉमिस करो किसी को बताओगे नहीं? प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगा. हारने के लिए तुम्हारा क्या डाउट है? कृष्णन्ना हाँ, रावण्ना हाँ, और तमन्ना हाँ, ये तीनों मिलकर हाँ, एक साथ मूवी कब करने जा रहे हैं ये डाउट है मुझे. एलिंगा, जयनगर में एक बूढ़ी औरत रहती है, उससे जाके पूछताछ करके आओ. You want who? फू नहीं, आपको मिलने आया हूँ. तो देवी जी, क्या हम आपको इस ड्रेस में पोस्टमैन के जैसे लग रहे हैं? एड्रेस ढूंढते हुए आए हैं, ड्रेस देखकर पता नहीं चला क्या? पुलिस! धीरे बोलना. धीरे से बोलो. पुलिस? तुम पुलिस हो या पोस्टमैन हो, क्या चाहिए तुम लोगों को? उस टाइम पर तुमने हमें खिड़की से देखा तो कुछ ऐसी नजर से देखा कि हमें थोड़ा झटका लग गया, तो हमें डाउट हुआ, इसलिए हम यहाँ पर आ गए. इतना बड़ा झटका लगा क्या? थोड़ा झटका बोला ना? इतना बड़ा कहाँ से आ गया? अंदर आ सकते हैं? ये क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है. बोलो. ए, तुम क्या ये घर खरीदने के लिए आए हो? नहीं भाई. इंक्वायरी करो. तुम भी पगार लेते हो तो तुम ही कर लो. घर में कौन कौन रहता है? बच्चे, बूढ़े, जवान, पक्षी, जानवर. क्यों इनके लिए राशन लाने वाले हो? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं अभी तक बैचलर ही हूँ. लड़का ढूंढ रही हूँ मैं. ए, तुम दूसरी शादी करने वाले थे ना, लो यही मिल गई, ये सुंदर भी है. शमशान जाने के टाइम पर हसीन सपने देख रही हो, ऑफ होने के टाइम पर फुल टाइम वैलिडिटी का रिचार्ज चाहती हो क्या? है? मैंने तुम्हारे मुंह पर थूका, तुमने अभी तक साफ नहीं किया. मुझे सब की आदत नहीं है ना? तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ऐसा है ना? हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे. जीने के लिए तुमने क्या किया है? एनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? जरा संभल कर बात कर यार. जान जाने के टाइम पर जीवन के लिए क्या कर सकते हैं? एंजॉयमेंट के टाइम पर मैं तो अकेले ही थी, इसीलिए अभी मैं लड़का ढूंढ रही हूँ. तुम कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए उस लड़की से जेलस के कारण उसका मर्डर कर दिया तुमने. ये जेलस कौन सा जूस होता है? रिश्वत देकर नौकरी पाई है क्या? अरे ए, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है. मेरे पापा ने नहीं है. हे, जब उम्र थी तब कुछ नहीं कर पाई थी मैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ दिखाती हूँ. भगवान का नाम जपने की उम्र में तुम खाकी वर्दी के साथ हाथापाई कर रही हो. खाकी पर हाथ उठाए ना प्रीटी बुड्ढी, तो ले जाकर तुमको लॉकअप में डाल दूंगा. लेकिन मैं अपने लॉकअप को वृद्धाश्रम नहीं बनाना चाहता, इसीलिए तुमको छोड़ रहा हूँ. लेकिन मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर गली रहेंगी. ए, एक आंख तो क्या, तीन आंख छोड़ कर जा, लेकिन यहाँ से गेट आउट. दादी, टेक क्रस्ट इन पीस. ए पागल बच्चे, चल निकल निकल. मैं इसके ऊपर रोब जमाना चाहता हूँ. ये कौवे की तरह काऊ काऊ कर रही है बुढ़िया. नमस्ते सर. नमस्कार. तुम्हारा नाम? मेरा नाम आदि केशव नायडू है सर. इस फोटो में जो लड़की है तुम इसे जानते हो? ये लड़की कौन है मुझे पता नहीं है सर. तुम्हारे घर पर इसका मर्डर हुए 5 दिन हो गए, ये बात तो तुम्हें पता है ना? पता चला, इसीलिए तो बैंगलोर जाने की जगह आपके पास आ गया. तुम कहाँ थे? वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश घूमने के लिए फैमिली के साथ गया था. अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ. अभी तक की चल रही इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पूरा का पूरा शक तुम पर है. अरे अरे, उस घर में तो मैं 13 दिन पहले ही आया हूँ साहब. क्या? इसीलिए मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गया था, और आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे वो हत्याएं मैंने ही की हूँ. केवल 13 दिन हुए? हाँ. इससे पहले कौन रहता था? वो घर
दिख रहा है, मैंने सुना था, इसीलिए पूछताछ करने के लिए गया था। पति पत्नी ही रहते थे, उसका पति सऊदीया में बिजनेसमैन है, उस घर में उसकी पत्नी और बेटी रहती थी। बेचारी, उसकी बेटी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसीलिए उसका पति उस औरत को सऊदीया ले जा रहा है, उसने बताया। अच्छा सर, जयनगर में 18,000-20,000 का रेट है, उसने 12,000-13,000 के रेट से देने को कहा है, आप होते तो छोड़ देते क्या? और उनको अर्जेंट था, मुझे पसंद आ गया, इसीलिए मैंने ले लिया सर। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर तो नई नई मुसीबत आ रही है। तुम्हें जिसने घर बेचा है, क्या उसकी जानकारी है? है ना सर। अनिल सर, ये एक एड्रेस देंगे, उस एड्रेस पर से कौन रहता है वहाँ जरा पता लगाओ और मुझे अपडेट करो। ओके सर। और एक बात, हमारी परमिशन के बिना वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं बेचोगे। ओके सर, मैं चलता हूँ। साइड करो। ए, रुको। सर, मैंगलोर से कॉल आया था। वो नायडू ने जो एड्रेस दिया था उनका पता चल गया है। ओके। वो एरिया भर के स्टेशन के डायरी में आता है। ठीक है, तुम अपनी चेकिंग चालू रखो, भर के स्टेशन में फोन करके बता दो कि मैं वहां आ रहा हूं। ओके सर। राइट। जी कहिए। सदानंद शेट्टी है क्या? नहीं नहीं है सर, वो यहाँ पे नहीं है। हम बैंगलोर से आए हैं, घर में और कोई हो तो उसे बताओ। मैडम, कौन आया है? कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं मैडम। पुलिस वाले? जी कहिए, क्या काम है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए ना। बोलिए सर, क्या बात है? आपके हस्बैंड सदानंद शेट्टी घर पर नहीं है? नहीं, वो अपने दोस्त से मिलने बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करती हूँ, आप बैठिए प्लीज। हेलो, बेंगलुरु से पुलिस आई हुई है, जल्दी आइए। पता नहीं क्या बात है, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। हेलो सर, मेरा नाम सदानंद शेट्टी है। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं, हमें मालूम नहीं सर ये लड़की कौन है। बैंगलोर में जो तुम्हारा घर है वहाँ इसकी लाश मिली। हमें तो वो घर बेचे काफी दिन हो गए। वो घर बेचने का कारण? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मस्कट में मेरा एक एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बैंगलोर में मेरी पत्नी और मेरी बेटी साथ में रहती थी। मेरी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद मेरी पत्नी बैंगलोर में अकेली पड़ गई, तो बैंगलोर में आकर सेटल होने का मेरा मन भी नहीं हुआ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वो घर को बेचना पड़ा। इस गांव में मैंने जन्म लिया है और ये मेरा फार्म हाउस है। इस केस के बारे में कुछ और पूछना हो तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। यू मस्ट कोऑपरेट। ओके सर।
जो आप देख रहे हैं ये पहले से ही चर्चा में बना हुआ है। इस घर के सामने ही पानी के तालाब में एक लड़की की लाश मिली थी और आज इस घर के सामने वाले पेड़ पर एक लड़का फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। यहाँ पर दो दो शव मिल चुके हैं लेकिन देखते हैं कि आत्महत्या है या हत्या, अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। इस केस के सिलसिले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस कुछ ही दिनों में इन शवों का पता चल जाएगा, सारे रहस्य खुल जाएंगे। इसलिए पल पल की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी एक्सप्रेस न्यूज़। नायडू ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी की मरने की वजह एक्सीडेंट थी, इसी वजह से तुम लोगों ने अपना घर बेचा और मुझे तुमने बताया कि तुम्हारी बेटी शॉक से मर गई। तुमने झूठ बोला और 4 से 5 करोड़ का घर तुमने 2 करोड़ में बेचा। सच बताइए। सर एक्चुअली क्या चल रहा था वो मैं आपको बताती हूँ। उठ जाओ, उठो, कॉफी पी लो। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। रात में जल्दी सो जाओ बोलती हूँ तो बिल्कुल ही सुनती नहीं हो, बस पेंटिंग बनाती रहती हो। पता है ना आपको मम्मी, मैं लेट सोई थी, फिर क्यों इतनी जल्दी उठा दिया, थोड़ा टाइम और सो लेती। ठीक है तो फिर मैं खुद ही कॉलेज चली जाती हूँ। जल्दी तैयार होके नीचे आ जाओ, खाना लगा देती हूँ। क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझा करूँ माँ। धीरे धीरे पूरी दुनिया में बारिश गिर रही है, वहाँ रहने वाले घर, जानवर, पेड़ सभी बारिश से ढक चुके हैं। वहाँ रहने वाले लोग रास्ता देखे बिना ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर बेखौफ घर जा रहे हैं। यहाँ देखिए, उसकी माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ निकल रही है। उस माँ को अपने बेटे से कितना प्यार है और उस बेटे को माँ का ही सहारा है। उसे रास्ता दिखाते हुए और उस बच्चे का खेल देखते हुए वो कितनी खुश हो रही है। दुनिया की परवाह किए बिना वो सिर्फ अपने बच्चे की परवाह करती है। देखिए इस पेंटिंग में यही है और वो माँ आप ही हैं। क्या हुआ? बहुत अच्छे से बनाया है बेटा। ठीक है, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। ओके ठीक है मम्मी। हमारे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हो, तुम वहाँ पर आराम से रहो। ठीक है, देती हूँ, बात कर लो। ठीक है, दो उसको। पापा है, लो। हाय डैड। हेलो बेटा, तुमने कोई पेंटिंग बनाई थी, तुम्हारी मम्मी मुझे बता रही थी। तुम्हारी मम्मी बहुत खुश है, मुझे भी वो पेंटिंग भेजो, मैं भी उस पेंटिंग को देखकर खुश हो जाऊंगा। ठीक है डैड, भेजती हूँ, बट अभी नहीं, शाम को भेजती हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कोर्स कैसा चल रहा है? अच्छे से चल रहा है डैडी, आज टीचिंग के लिए कोई नासिक से आने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड डैड। अरे वो तो खाली ऑर्डिनरी है, मेरी बेटी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थैंक यू डैड। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बेटी। बाय डैड। माँ मैं चलती हूँ, सी यू। ठीक है बेटा, ध्यान से। मम्मा चलो मेरे साथ,
क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। I'm very happy, mama. क्या है बताओ तो सही। वो बोलने वाली चीज नहीं है मम्मी, दिखाने वाली है। जा के आती हूँ मम्मा, बाय। एक मिनट रुको बेटा, मैं आ रही हूँ। बेटा हाँ? रुको एक मिनट, हाथ लाओ तुम्हारा। हाँ पर क्यों? वो सब पूछो मत, तुम्हारा हाथ दो। हाँ, पहले तुम बताओ किस लिए। और किस लिए, ये बांधने के लिए दो। मुझे पता था तुम ये सब बेतुकी चीजों के लिए बोल रही हो। देखो बेटा ऐसी बातें मत करो, आज महालया है, मैं खुद मंदिर जाकर तुम्हारे लिए तावीज लाई हूँ। माँ मैं ये सब बातों को नहीं मानती हूँ, फिर भी क्यों परेशान करती हो। चलो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। इसे तुम ही बांध लो और अच्छे से रहो, ठीक है, बाय। उस टाइम पर वो कॉलेज चली गई रानी, और काफी टाइम तक नहीं आई। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उसे कॉल करने की कोशिश की, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद उसके फ्रेंड को भी फोन किया, वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने सोचा कि वो किसी दोस्त के घर गई होगी अपनी। काफी टाइम तक रास्ता देखा, सवेरे जिंदा गई थी हमारी लड़की। और उसके मरने के रिपोर्ट में नेचुरल डेथ लिखी हुई थी। सुबह सुबह इतनी खुशी से जाने वाली बेटी का अचानक से ये सब हो जाने से मेरे मन को बहुत दुख हुआ। मैं मेरे पहचान के एक ज्योतिषी से जाकर मिला। देखिए सेठ जी, आपकी बेटी की कुंडली में जन्म नक्षत्र देखने के बाद में ऐसा लगता है कि वो एक असाधारण लड़की है, लेकिन वो मरने के बाद किसी दूसरे को तकलीफ ना दे इसके लिए वो घर अपने कपड़े और चीजों से उसे बहुत ज्यादा प्रेम है। इसके लिए आपको उस घर से, कपड़ों से और उसकी चीजों से बहुत जल्दी छुटकारा पाना होगा, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत अनर्थ हो सकता है। इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है, जिस घर में वो रहती है उसे तुरंत खाली कर दें, नहीं तो भविष्य में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। उस वक्त मैं उस ज्योतिषी की बातें सुनकर काफी डर गया था। वो अगर जो भी रेट पे बिक जाए वो सोचकर उस घर को मैंने कम दाम में ही किसी को बेच दिया। हमें जैसे ही वीजा मिलेगा हम मस्कट जाने वाले हैं। मरने के वक्त उसके साथ कौन था? उसके साथ में उसके फ्रेंड्स भी थे। फ्रेंड्स थे? इसे देखा है? नहीं पता। इसे कभी देखा है? नहीं। तूने देखा है? तूने देखा है इसे? तूने देखा है? नहीं देखा सर। इसे कभी देखा है क्या? ए, इसे देखा है? ये मिल गया सर। आप चुपचाप चल, कहाँ लेके जा रहे हो सर? अरे सर, सर सुनिए सर, आप मुझे लेके जा रहे हो? अभी सब पता चल जाएगा, चल। ये लीजिए सर। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? कौन से दोस्त, किसके बारे में पूछ रहे हो आप? रानी को जानते हो ना सर? आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल खड़ा हो, चल रहे किस तरफ? इस तरफ सर। चल चल, यही है सर अजय। रानी का स्केच? तुम क्यों रानी का स्केच बना रहे हो?
रानी के मरने के टाइम पर तुम सब उसके साथ थे, तो तुम सब ने मिलकर उसका मर्डर किया है, या फिर तुमने ही उसे जिस लड़की से मैं प्यार करता था मैं उसे कैसे मार सकता हूं सर? हे रानी, रानी। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय। रुको मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। एक मिनट। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। गिफ्ट? मेरे लिए? देखो तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए, अगर मैं इसे ले लूंगी तो तुम कुछ और ही सोच लोगे, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, प्लीज इसे एक बार देखो, आई इंसिस्ट, प्लीज। वाओ, इंपोर्टेड ब्रशेस। थैंक यू सो मच अजय। एनी टाइम। ये तुम्हारे स्पेशल आर्ट के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। वैसे भी मेरी बहन जर्मनी से आ रही थी तो उससे मंगवा लिया। डिड यू लाइक इट? बहुत पसंद आया मुझे। थैंक यू। रानी, एक बात कहनी थी। अब तुम आई लव यू मत बोलना। वो बात नहीं है, तुम्हारा पागल प्रेमी कल एक्सीडेंट में मर गया। व्हाट? ओह माय गॉड। रुको मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ओके। अजय नहीं, चलो चलो चलते हैं। एक मिनट रुको। जाने दो प्लीज। रानी मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। रानी मैं तुम्हारा कितने दिनों से रास्ता देख रहा हूँ, समझने की कोशिश करो रानी। अजय छोड़ दो उसे। ये हम दोनों के बीच का मामला है, चले जाओ यहाँ से। आई लव यू रानी। चलो चलो अजय, देख लूंगा तुझे। चलो अजय चलो, छोड़ो उसे। रानी मैं मर भी गया तो भी तुझसे प्यार करता रहूंगा। चलो वॉलीबॉल कोर्ट में चलते हैं, आओ चलो। हाय गाइस, व्हाट्स अप? हम कौन सी टीम में हैं? तुम लोग लेट हो गए हो, नो एंट्री। हे हम लोग फ्रेंड्स हैं ना? हम सब फ्रेंड हैं। उस टाइम पर जब मैं लेट आया था तो मुझे लिया था क्या? ए तुम्हें खेलना है खेलो, मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ। हे रानी, खुद को इंडियन टीम के खिलाड़ी समझते हैं। रानी क्या तुम इतनी सब बातें गुस्सा कर रही हो? ये सब हमारे दोस्ती तो है, मान जाओ आप। ठीक है। हाँ अजय बोल देना भाई। अभी बताती हूँ तुम्हें। हे रानी, मुझे टीम में नहीं लोगे ना? अभी बताती हूँ तुम्हें। रानी क्या कर रही हो? रानी बात तो सुनो। रानी ये रानी तुम अपना गुस्सा बोल पर क्यों निकाल रही हो? रानी रानी अरे अजय अजय यार लो। रानी हाँ, वो जो नासिक से आए हैं ना अमरनाथ विद्वान, उनसे आर्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में अच्छे से पूछ के जानकारी ले लेना। हुँ।
अजय आज की क्लास बहुत अच्छी थी, है ना संगीता? सही कहा। इस आर्ट क्लास में आने के बाद में क्लासरूम, पेंटिंग घर, बस यही लाइफ हो गई हमारी। और यही सब करते करते एकदम कलरफुल बंदर की तरह लगने लगे हो तुम सब मुझे यहाँ। हाँ भाई हम सब बंदर हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल काले बंदर जैसे लग रहे हो। वो सब छोड़ो यार, मुझे बहुत बोर लगने लगा है, कोई मूवी देखने चलते हैं। गुड आइडिया, कौन सी मूवी? कल मेरा भाई हॉरर मूवी देख कर आया है, बता रहा था बहुत अच्छी है। ओके। हाँ पर टाइमिंग क्या है? लेकिन सभी सिनेमा फुल हैं यार, पल्लवी टॉकीज की टिकट मिल सकती है, लेकिन नाइट शो है। ओके फाइन चलते हैं। ओके नाइट का शो है, मैं नहीं आऊंगी। पर क्यों? कम ऑन सभी लोग आ रहे हैं ना, संगीता तुम आ रही हो ना? आऊंगी ना। और विनीता तुम? हाँ आऊंगी, लेकिन घर तुम्हें ही ड्रॉप करना पड़ेगा। संजय ड्रॉप कर देगा तुम्हें, रानी तुम्हें आना होगा। अरे नहीं यार, आज मम्मा ने घर पर जल्दी बुलाया है, उन्होंने आज मेरी फेवरेट डिश बनाई है। चलो ना चलते हैं, हम सब जा रहे हैं ना। बस करो अब, फोर्स मत करो, जाने दो, मूवी देखने नहीं जाएंगे। ओहो चलो ठीक है, तुम्हारे साथ चलती हूँ। पल्लवी टॉकीज है ना, मेरे घर के पास में ही है, मम्मी को मैं चाबी देने जा रहा हूँ, आने के टाइम पर मैं टिकट लेकर आ जाऊंगा। हाँ थैंक यू। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे ये भगवान का प्रसाद है, मना नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ले लो। सुबह मेरी मम्मा हाथ में तावीज बांधने आई थी और मैंने मना कर दिया, तो क्या मैं ये खाऊंगी? मैं भगवान और भूत पर विश्वास नहीं करती, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है कम से कम खाना समझ कर तो खा लो। मुझे नहीं चाहिए ना। ठीक है छोड़ो। हेलो अजय यार, मैं थिएटर में आया हूँ। हाउसफुल हो गया यार, टिकट नहीं मिल रहा। हो ऐसा क्या, चलो जाने दो। ठीक है भाई मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ओके भाई बाय। क्या बोला उसने? टिकट नहीं मिल रही है। सच्ची में तुम भूत प्रेत को नहीं मानती? नहीं मानती। वैसे भी फिल्म की टिकट कैंसिल हो गई है, मैं भरोसा दिलाता हूँ। वो कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अभी क्लासरूम चलो। चलो फिर चलते हैं। यहाँ भी दिखा सकते हो ना? अरे तुम्हें भरोसा ही दिलाना है ना, चलो। ठीक है चलो चलते हैं चलो। इन्होंने मुझे भरोसा दिला दिया ना, तो इनका भी एक मंदिर बना देंगे। प्रसाद। हाँ बोलू। ये सारे देवी देवता की तस्वीरें हटा दो। दरवाजा बंद कर दो। सभी लोगों के पर्स ले लो और उसमें से तावीज और भगवान की तस्वीरों को निकाल कर इकट्ठा कर कर बाहर रख दो, और सबके फोन्स लेकर स्विच ऑफ कर कर बाहर रख दो। जाकर कैंडल लेकर आओ। अब आगे क्या करना है उसके सारे रूल्स मैं तुम्हें बताता हूँ। रूल नंबर एक, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। रूल नंबर दो, कोई बीच में बात नहीं करेगा। रूल नंबर तीन, रानी ही आत्मा को बुलाएगी। आत्मा? आत्मा को इससे पहले तुमने भूत बोला था है ना? क्या क्या? आत्मा का नाम सुनकर डर लग रहा है क्या? तुम जो नहीं मानती हो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, अभी तुम्हें पता चल जाएगी। इस तरह की चीजों को मैंने टीवी पर कई बार देखा है, इसलिए मुझे न तो इन पर भरोसा है और ना ही इनका डर है। चलो बताओ अब मुझे क्या करना पड़ेगा। इस गेम में कोई भी आत्मा आ सकती है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। तुम जिसे बुलाओगी वो भी आ सकती है, तुम उससे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। रानी गांधी जी की आत्मा को बुला लेना। ये संगीता, मैंने पहले ही कहा था सबको सीरियस रहना पड़ेगा। किसको बुलाना चाहिए? एक काम करते हैं ना, थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जग्गा का, जो मर गया था, क्यों ना हम उसको ही बुला लेते हैं, उसने चैलेंज दिया था। रानी इज इट ओके? ओके ठीक है, जग्गा को बुलाना तय हो गया। रानी तुम कॉइन के ऊपर उंगली रखोगी और लाइट को देखोगी, और जग्गा को बुलाओगी, और उसकी आत्मा से जो भी तुम चाहो वो सब सवाल तुम पूछ सकती हो। लाइट ऑफ कर दो।
जगह। तम। जगह कम। जग्गा आ गया है, जो पूछना है पूछ लो। जग्गा, क्या तुम आ गए? वैसे भी आज मूवी टिकट्स अवेलेबल नहीं है। अब बताओ, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं या नहीं? Guys, I got the tickets. पर तुमने तो कहा था कि टिकट्स नहीं मिल रही हैं। हाँ, काउंटर पे नहीं मिली, लेकिन ब्लैक में मिल गई। टिकट चाहिए क्या? हाँ मुझे चाहिए। मैं तुम लोगों को कब से फोन कर रहा था, सभी के फोन बंद थे, मैं परेशान हो गया था। ओह, ये मुझे बच्चों का खेल नहीं खेलना है, मैं ये बचपन में ही खेल चुकी हूँ। क्या मतलब? टिकट मिलने पर भी तुमने मुझे डराने के लिए ये सब किया है ना? अपनी उंगली से कॉइन घुमाकर जग्गा ने ये किया बोलकर मेरे साथ गेम खेल रहे थे ना? ऐसा कुछ भी नहीं है रानी, एक बार आत्मा को बुला लिया तो वो उसी तरह से वापस जाती है। संजू स्टॉप इट, मूवी टिकट मिल गई है ना, चलो चलते हैं। ए अजय, तुम तो इसे समझाओ। रानी चलो। अरे सुनो सुनो तो, टिकट दिखाओ। H27 to 834, 8 टिकट्स, वहां जाकर बैठ जाओ, वो है सीट। H34 अच्छा हो गया यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। हाँ यार, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। हेलो, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी तुम मूवी लेकर आ गए, और अब तुम कह रहे हो कि जाना है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तो मुझे मूवी देखनी है और मैं देख कर ही जाऊंगी, समझे तुम? ए अजय, तुम तो कुछ बोलो इसे। अजय क्या बोलेगा, तुम्हें भी जाना है क्या, बताओ। ठीक है, ओके, हम लोग नहीं जा रहे हैं, पर एक कंडीशन है, H34 सीट पर मैं बैठ। नो 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 नो, नथिंग डूइंग। तुम सब लोग इतना डरे हुए क्यों हो? बैठो सब, मूवी स्टार्ट हो गई है। रानी प्लीज यार, जिद मत करो। अजय, डरे हुए लोगों जैसा बात मत करो, चलो आ। रानी मेरी बात बोलना, सुनना कुछ नहीं है, तुम केवल मेरे बाजू में बैठो। अजय, मुझे डराओ मत। मैंने क्या किया है? मुझे पता है तुमने क्या किया है, चलो मूवी देखो। पता नहीं अभी से क्या हो गया है। हाँ।
सो स्कैरी। अरे बाप रे, इंसीडियस की तरह ही थी। हाँ यार, ये फिल्म तो उससे भी खतरनाक है। लेकिन फर्स्ट हाफ उसके जितना अच्छा नहीं था। मुझे तो इसमें कुछ भी डर नहीं लगा। अच्छा तू डरा हुआ ही लग रहा है। ये वाला शो लोग कौन है? अरे पुलिस आई है यार। सलाम सर। हे, ये क्या गंदगी है? साफ करता हूँ सर। यही वो H-34 सीट है। मेरी रानी। ओके। आत्मा के बारे में, इस सीट के बारे में तुमने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? रानी की रिपोर्ट देखे तो मूवी देखते हुए शौक से मर गई है, ऐसे दिखाया है। ये सर आप क्या बोल रहे हैं? हम ये कैसे मान लें कि उस स्पिरिट गेम को खेलने से उसकी मौत हो गई है? ये बात तो हमने, मतलब इस बात का तो हमने किसी से भी जिक्र नहीं किया था सर। तुम्हारी पत्नी गायब थी तब तुम कहाँ थे? हर बार की तरह इस बार भी जब हमें वीकेंड पर छुट्टी मिली तो हम लोग होटल में खाना खाने के लिए गए। उसके बाद मूवी देखने के लिए पल्लवी थिएटर गए। मूवी देखते देखते अचानक से वो डर गई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ बोल के वो नॉर्मल रही। कुछ टाइम के बाद वो अचानक से उठकर जाने लगी। मैंने उससे पूछा कहाँ जा रही हो, तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो लगा शायद वॉशरूम जा रही है। लेकिन जब 10 मिनट हो गए तो वो बाहर नहीं आई। मैंने बाहर जाकर थिएटर के सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिली। मैं तब बहुत डर गया, मैंने फ़ोन भी लगाया उसे लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर घर पर गया तो वो वहाँ भी नहीं थी। तब राजाजी नगर पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। इंस्पेक्टर सुभाष। हाँ सर, मुझे पता है। बोलिए। तुम दोनों जब मूवी देखने गए थे तो क्या तुम्हें सीट नंबर या रो नंबर कुछ याद है? सर मुझे कुछ याद नहीं। एटलीस्ट तुम किस साइड बैठे थे वो तो तुम बता सकते हो ना? सर मेरी बीवी मेरे लेफ्ट साइड में बैठी थी, शायद एक्सट्रीम कॉर्नर सीट पर, और मैं उसके बगल में बैठा था। फाइन संदीप, थैंक यू। हेलो सुभाष, वो जो बंगले में सीरियल मर्डर हुए हैं ना, उनकी रिपोर्ट लेकर के तुम मेरे ऑफिस में आओ। यस सर। सर, यहाँ तक के इन्वेस्टिगेशन में इसके पीछे कौन है अभी तक पता नहीं चल पा रहा। उसने एक भी क्लू नहीं छोड़ा है और एविडेंस नहीं छोड़ा है। ये सुसाइड भी नहीं है सर, इसलिए जज करने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा सर कि केस को बी रिपोर्ट में डालना चाहिए या सी रिपोर्ट में डालना चाहिए, और इससे भी ज्यादा आई हैव अ डाउट सर। आखिर क्या है तुम्हारा डाउट? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये सारे मर्डर्स किसी इंसान ने तो बिल्कुल नहीं किए सर। आई फील some kind of negative energy behind this. Hey Subhash, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? Being a responsible police officer, non-educated लोगों की तरह बात कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे पता था सर, आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे। आप एक बार फाइल चेक कर लीजिए। उस घर में मरने वाली लड़की अपने पति के साथ पल्लवी टॉकीज में मूवी देखने गई थी और वो बैठी थी एच रो सीट नंबर 34, और वही बंगाली लड़का अपनी सीटी एग्जाम खत्म करके बंगाल वापस जाने वाला था। उसने ट्रेन टिकट भी बुक किया था, उसके पास टाइम था तो उसने पिक्चर का टिकट बुक कर लिया था पल्लवी टॉकीज वही एच रो सीट नंबर 34 में। सो माय पॉइंट हियर इज, दोनों पल्लवी टॉकीज गए, उसी सीट पर बैठे थे कॉर्नर सीट पर, दोनों ही मर गए थे। थोड़ा डीप में देखें तो उस घर में रहने वाली लड़की का नाम रानी था, जो स्पिरिट गेम खेल के अपने दोस्तों के साथ पल्लवी टॉकीज में नंबर H-34 पर मर चुकी है, और इसके बारे में कोई क्लू नहीं है। और तो और, मरने वालों का उस घर से कोई संबंध नहीं है। स्टॉप इट सुभाष, विल यू प्लीज स्टॉप इट। तीन लोगों को मारने का प्री प्लान मर्डर है ये, और तीन लोग एक ही जगह पर मरे हैं तुम्हें दिख नहीं रहा है? पहले से ही जयनगर कितना संवेदनशील है और उस पर जमीन माफिया कितना प्रेशर डाल रहे हैं। आखिर ये खून किसने किया है, मर्डरर कौन है, तुम्हें ढूंढ कर पकड़ना चाहिए।
माय गॉड सुभाष, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले? छे, कॉन्सेंट्रेट ऑन द केस, इन्वेस्टिगेशन को जाकर पूरा करो, जाओ। सर मेरी बात प्लीज, जाओ अभी। सर जैसा आप बता रहे हैं उस मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रानी नाम की लड़की जब मरी थी तब आपके पुलिस वालों ने क्यों मर गई थी इसके लिए डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई थी। उस टाइम पर वो पति और पत्नी मूवी देखने आए थे और उसी बीच उसकी पत्नी फिल्म छोड़कर कहीं चली गई, तो ये पता चला पति ने पूरा टॉकीज छान मारा। उसके बाद मुझे पता चला कि वो कहीं मरी पड़ी है। और वो जो बंगाली लड़का मेरे टॉकीज में आया है कि नहीं मुझे पता नहीं है सर। इस बीच टॉकीज में कोई फिल्म देखने आता नहीं, अब ये नई नई फिल्में आ रही हैं सर। अब ऐसे ही बैड रिव्यू मिलते रहे तो मेरे थिएटर का क्या होगा, जरा सोचिए सर। ओके, आगे के इन्वेस्टिगेशन में आपको कोऑपरेट करना होगा। ओके सर। ओके लेट्स गो। गुरुजी, गुरुजी, इंस्पेक्टर सुभाष का फोन है आपके लिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार इंस्पेक्टर सुभाष। उस टाइम मेरी कार ढूंढ के देने के बाद मेरी याद अभी आई है। संकट जब आता है तो वेंकट रमन्ना को याद किया जाता है। अभी मेरी संकट को आप ही दूर कर सकते हैं स्वामी जी। अच्छा, ऐसा कौन सा संकट है जिसके लिए मेरी जरूरत पड़ी? जब डॉक्टर की हालत ऐसी होगी तो उस डॉक्टर के मरीजों का हाल क्या होगा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बात यह है कि ये केस मेरे समझ के बाहर जा रहा है गुरुजी, इसलिए हेल्प लेने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। तुम इस तरह से ये बात बोल रहे हो तो यकीनन कोई ना कोई समस्या तो जरूर होगी। वो हमारे कैप्टन है, मैं इस केस में उनकी हेल्प लेना चाहता हूँ। उसके आने से तुम्हारा संकट जरूर दूर हो जाएगा। पिछले तकरीबन 6 महीने से मैं आश्रम में ही हूँ, कहीं भी जा नहीं पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं कैप्टन से बात करूंगा। थैंक्स अ लॉट गुरुजी। तुम ज्यादा उसके बारे में मत सोचो सुभाष, कैसी भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन जरूर होता है। मैं कैप्टन से बात करूंगा और तुम्हें फोन करके बताता हूँ। नमस्कार। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इस बार तो आ जाओ ना। इट्स ओके, तुम जाकर आ जाओ, मुझे फोर्स मत करो। कम ऑन सुभाष प्लीज, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इंपॉर्टेंट बात करनी है? क्या है वो? मंदिर में आ जाओ फिर बताती हूँ। अगर भगवान होते उन्हें देखो, मंदिर के बाहर रोज भीख मांगते रहते हैं। भगवान को प्रकट होकर उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए, इससे पता चलता है कि भगवान नहीं है। ठीक है ठीक है, इस टॉपिक पर तुमसे बात करना ही बेकार है, लेकिन जरूरी बात वो नहीं तो है। फिर? वो बोलो। पूजा करने के बाद आकर बताती हूँ। As you wish. बोलिए। सुभाष के नाम से अन्न दान करना है। सुभाष है? कौन सा नक्षत्र है? उत्तरा बादरा। राशि? मीन राशि। ये लो माँ जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। ये लो माँ जी, सुभाष कौन है? वो मेरे पति हैं। ये लीजिए, इसे हमेशा अपने पति के साथ रखने के लिए कहिए, ये उनकी हमेशा रक्षा करेगी। ठीक है। ये लो, ये हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारे सारे काम अच्छे होंगे। वो रहने दो, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है ये बताओ। वो आई एम प्रेग्नेंट।
What? Are you serious? Yeah. अभी अभी मैंने कैप्टन से बात की है। हेलो। नमस्कार कैप्टन। ओहो, रामचंद्रन आचार्य, नमस्कार नमस्कार। आपकी आवाज सुने तो कितने साल हो गए। ये तो मुझे कहना चाहिए। कैसे हैं आप और कहाँ हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे करीबी मित्र हैं, इस समय वो बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। आप देखिए उनकी जो भी समस्या है उसको जरा सॉल्व करवाइए। मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने एक असिस्टेंट को भेजता हूँ, वो सब देख लेंगे। कोई बात नहीं, तुम्हारे शिष्य हैं तो ठीक है। बस एक बार आप उनसे मिल लीजिए, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। परफेक्ट। और जब सारी समस्या हल हो जाए तो आकर मुझसे मिलो। श्योर, 100% आचार्य। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इंस्पेक्टर सुभाष। हाँ सर, वहाँ पे है वो। इंस्पेक्टर सुभाष, यू आर इंस्पेक्टर सुभाष। ओके, ये है किकी और ये है पार्थ। हेलो प्लीज। हाँ, यस सुभाष राइट? यस। हाँ टेल मी। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये केस थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। सर प्लीज इस केस को थोड़ा पर्सनली लीजिए। मेरे गुरु ने बताया मुझे, यदि मैं पर्सनली ध्यान नहीं दूंगा तो मेरे लिए टेंशन हो जाएगा। इसलिए इस केस को मैं देख रहा हूँ। ओके, डोंट वरी, इस केस के लिए जो भी अच्छा होगा वो मैं करूंगा। राइट राइट। आप मुझसे केस की सारी डिटेल शेयर कर सकते हैं राइट? ये रही फाइल्स। फाइल्स ओके 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 ओके। ये पकड़ो। आई कैन मेक अ मूव विथ योर परमिशन। यस श्योर। राइट ओके। अच्छा खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। ओके यस श्योर, सी यू अगेन। चलो भाई निकलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। अरे किस तरफ से रास्ता है? ये वो सीढ़ियाँ नहीं है जहाँ से हम आए थे। नहीं नहीं, वो रास्ता इस तरफ से नहीं है भाई। चलो चलो चलो, निकलो चलो। Keep the change. Thank you, sir. और भाई क्या हालचाल? Why are you sitting so quiet? ऐसी होता है। समझा तू? अरे ऐसे ही है। उधर देखो। कॉलेज स्टूडेंट हो तुम लोग। उसके बाद कोई झगड़ा? उस दिन से ही सर, हम सभी दोस्तों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। ओके कैरी ऑन। Thank you.
है? क्या हो गया? हे दिव्या, वापस आ जाएगी। काफी देर से बाहर गई है, चलो चलकर देखते क्या हुआ है। वापस आ जाएगी। सुनो भाई, चलो चल के देखते हैं ना, वो बहुत देर से बाहर गई हुई है। ये छोड़ ना यार, सोचो मत, आ जाएगी ना अपने आप। और क्या, चलो तुम उधर देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ। हाँ, तुम उधर देखो। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ये तो यहीं पर खड़ी हुई है। अरे ये तो यहीं पे है यार, देखना। फालतू में ही हम इतना सोच रहे थे। चलो चल के देखते हैं ना। हे दिव्या, यहाँ पे कब से बाहर क्यों खड़ी हो? अरे भाई, लगता है फिल्म का भूत इसके शरीर में आ गया है। हे यार, ये बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही है यार। चलो चलते हैं यार। अरे भाई, इस तरह से क्यों चल रही है ये? लगता है पिक्चर वाला भूत इसके अंदर ही आ गया है। लगता है सुन लिया। दिव्या, ये कोई टाइम है घर आने का? ये बेकार के लड़कों के साथ घूमती हो, चली जा रही हो, सुनाई नहीं दे रहे तुमको? तुमसे कह रही हूँ रुको, खाना खाया है तुमने क्या? सुन रही हो? सुन रही हो कि नहीं? आजकल के बच्चों को किसी भी बात का डर नहीं है, और ना ही अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट। मैं जब थर्ड क्लास में था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत ही अच्छी फिल्म दिखाई थी, और उसका प्रभाव देखो, मैं एक पुलिस वाला हूँ और शिव राजकुमार का फैन भी। लेकिन अब देखो, मुझे उस भूत बंगले की चौकीदारी करनी पड़ रही है, वो भी पूर्णमासी के दिन। इसे कहते हैं बुरी किस्मत। ये कोई मजाक है क्या? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? जब बीच में क्रिस गेल चेन्नई के खिलाफ डक करते समय आउट हुआ था ना, तब वो मुझे मजाक लगा था। अरे भाई छोटे, हाँ? मुझे गेट का साउंड क्यों सुनाई दे रहा है? जरा एक बार जाकर चेक करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर बैठकर इस बात का हिसाब लगाऊंगा कि क्रिस गेल आउट कैसे हुआ था, वो भी डक पे। मैं जरा थक गया हूँ ना, इसीलिए मेरा फ्लो नहीं बन रहा है। एक बार जाकर देखो ना भाई। तो क्या मैं देखूं? हाँ। देख लिया। अरे वहाँ जाकर देख लो। उठो जाके देखो। सीनियर तुम हो कि मैं? अरे सुबह सुबह मैंने फ्लो में बोल दिया तो तुमने हल्के में ले लिया यार। अपने फ्लो के बारे में मुझसे बात मत करना। दरवाजा लॉक हो गया, किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है, क्या हो गया? अरे कौन है? अरे बाहर दरवाजा खोलो। अरे छोड़ दो, लाइट चली गई। अरे हो गया, कौन है? कौन है? ये नहीं हो सकता। अरे कोई है? छोटे से देखो कौन आया। दरवाजा भी लॉक है, लाइट भी चली गई। ये कौन लाइट चला रहा है? अरे कौन है यार?
तुम हो क्या? अरे दरिद्र कहीं के मुझे डरा दिए और खुद हंस रहे हो तुम? बिल्कुल, तुम खुद ही डर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? नालायक, फू! मजाक मत करो, चलो उधर खिड़की में चलकर देखते हैं कौन है। इधर आओ, इधर आओ। ए लड़की, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? ये सब क्या भगवान? अरे क्यों अवलदार, पुलिस वाले होकर के ऐसी बात करते हो, शर्म नहीं आती? कह रहे हो कोई आया था बाहर से, दरवाजा लगाकर चला गया और ये अंदर ही पड़े थे। छी! और मेरे सामने ये देखिए वो देखिए करके नाटक कर रहे हो। एक क्या बोलूं? सुभाष, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने पर तुम मुझसे आकर मिलो। ओके ओके सर। क्यों भाई, डेड बॉडी किधर है? मुझे नहीं पता सर। इसको यही नहीं पता कि डेड बॉडी किधर पड़ी है। डॉक्टर, विक्टिम फ्रेंड्स। हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो, लड़की मरने से पहले तुम्हारे साथ थी, क्या हुआ था उसके साथ? सर, हम चारों दोस्त मिलके मूवी देखने के लिए नाइट शो का पल्लवी टॉकीज गए थे। फिल्म को स्टार्ट हुए बस 40 मिनट ही हुए थे, फिर दिव्या बाहर चली गई वॉशरूम के लिए, उसके बाद वो वापस ही नहीं आई अंदर। हाँ, फिर हम लोग को चिंता हुई तो हम लोग बाहर गए।